नीले रंग का पराजिता का फूल पूजा पाठ में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस फूल की सुंदरता जितनी मनमोहक होती है उतने ही इस पौधे के औषधीय गुण अत्यंत लाभकारी होते हैं। आयुर्वेद में अपराजिता को एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुशांत ने लोकालिटीन को बताया कि अपराजिता का पौधा अत्यंत उपयोगी है। आयुर्वेद में इस पौधे को स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला माना गया है। अपराजिता के पौधे में कई औषधीय गुण होते हैं। तो पाने को तो श्रीनगर में भी ये आराम से हो जाता है, लेकिन जो ठंडी जगहें हैं वहाँ पर बहुत ठंड जब होती है तो वो पौधा नष्ट हो जाता है। हालांकि उसके बीज तो रहते ही हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से आप उगा सकते हो। तो होता तो यहाँ भी है आराम से, बाकी प्लेन्स में तो खैर बहुत आराम से होता है, साल भर चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ तक इसके औषधीय उपयोग की बात है तो काफ़ी उपयोगी पौधा है, शीतल होता है। और इसकी शुरुआत करें तो आचार्य जो हमारे आयुर्वेद में हैं वो कहते हैं स्मृति बुद्धि दे, यानी कि बुद्धि और स्मृति यानी याददाश्त और बुद्धि दोनों को ये बढ़ाने वाला होता है। उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें सिंगल हर्ब के रूप में, तो जो माइग्रेन पेन होता है, आधे सिर का दर्द होता है, तो उसकी जड़ का रस निकाल करके 5-5, 6-6 ड्रॉप दोनों नाक में लेट करके डालने से उसमें राहत मिल जाती है। और जो मम्प्स हो जाते हैं उसे यहाँ पे हापू भी बोलते हैं, तो उसमें भी सरसों के उसके संध्या नमक के साथ में उसको जब पीस करके पत्तों का लेप कर सकते हैं तो उसकी सूजन में जल्दी राहत मिलने लग जाती है। इसके अलावा इसके पत्तों का रस जो है थोड़ा सा 1-2 चम्मच रस हो और उसमें लगभग 6-7 ड्रॉप आप मिला दीजिए अदरक का रस। तो पसीना अगर किसी को ज़्यादा आता है या कई लोगों को हथेलियों में पसीना आता है, तलवों में पसीना आता है, उनके मोजे बेचारों के ख़राब हो जाते हैं, लिखते हैं तो पेपर गीला हो जाता है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इसमें लाभ मिलता है। बाकी पेट साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जिसके बीजों का जो पाउडर होता है लगभग 2 ग्राम तक पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक 2-3 चुटकी डाल लीजिए, 2 चुटकी सौंठ डाल दीजिए और रात को गर्म पानी से उसको अगर लेते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है, ये भी इसका इस्तेमाल होता है।